ऐसी बीमारी है जिसमें डेफनेस होती है। आमतौर पर 3 से 4 सिम्टम्स होते हैं उसमें, एक कान में या दोनों कानों में सुनाई कम हो जाएगी, चक्कर आते हैं शदीद किस्म के जो कि 20 मिनट से ज्यादा रहते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटे चलते हैं, ठीक है, साथ में कानों में आवाजें भी आती हैं और कान कभी कभार भारी भी हो जाता है, उसको मीनियस डिजीज कहते हैं। इसमें आमतौर पर 3 और 4 चीजें होती है जो मैंने अभी जिक्र किया, और एज ए स्टेपिंग स्टोन एज ए टू बिगिन विद इसका मेडिकल थेरेपी होती है। मेन एम होता है हमारा कि हम चक्कर को कंट्रोल करें। वंस चक्कर कंट्रोल हो जाते हैं दवा के जरिए, एक तो हम उसको ओरल थेरेपी पे स्टार्ट करते हैं, और अगर ओरल थेरेपी ना काम करे तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हम हेयरिंग लॉस को एड्रेस करते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं। तो पहले स्टेप पे दवा देते हैं, दूसरे स्टेप पे कान में इंजेक्शन लगा देते हैं जेंटासिन का, और अगर फिर भी ना हो तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो मेन एम होता है इसमें कि हम चक्कर कंट्रोल करें ताकि मरीज गिरे ना, अगर गिरेगा तो उसकी डर होता है कि हड्डी वगैरह ना टूट जाए तो उसको। दूसरे जो मेन एम है वो ये है कि आपके पास हम फिर उसकी हियरिंग रिहैब के लिए भेज देते हैं, वो अपनी हियरिंग एड लगाए और जो है वो उससे वो बेहतर हो जाएगा।